धान डूब गया और 15,000 बोल रही है, वो भी सरकार क्या पता दे ना दे। अब ये जिस तरह खट्टर साहब ने कर दिया कि 30 तारीख तक जिनका धान लग जाएगा उनको बाद में देखेंगे, क्या 30 तारीख तक लग जाएगा? देखो पानी पानी पड़े है, जो लगाएंगे भी तो वो क्या धान होगा, आगे गेहूँ की फसल को भी नुकसान पहुँचे, बात अलग है। बाकी कोई किसी चीज का प्रशासन की ओर से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला। इस टाइम कितना पानी लग है रहा यार, कितना पानी कम हो गया यार, कितना बढ़िया था पानी। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल गांव चंदोकला में खड़े हैं जिसकी डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है और तहसील है रतिया, और लगातार हम चैनल पर वीडियो देखने लग रहे हो कि जो प्राकृतिक आपदा आई है या नदी टूटी है, कितनी ज़्यादा जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हुई है, किसानों की खतरे वीडियो बनाने लग रहे। फिलहाल भाई ये भी पानी चल रहा है, कितना पानी इस टाइम उतरिया है, कितना ज़्यादा नुकसान होया है इस एरिया में, तो यहाँ के किसान खड़े हैं उनसे बातचीत करांगे और कौन कौन सपोर्ट खतरा आया है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वादे करके जावे हैं, जनती वोट चाहिए हुए हैं, उसके बाद कितने आवे हैं सारी की सारी बात पूछेंगे। इस साइड आ जाओ भाई, इस साइड आ जाओ आप, इस साइड आ जाइए। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो आप? ये चंदो खुर्द से। चंदो खुर्द। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कितना के कुछ कितनी एकड़ तक यू पानी है अपना गाँव में, गाँव का भीतर भी आया है? ये पानी पीछे से आता है जी, मामूपुर से, टुआना से, और ये सैंपल है ना शिमू वाला, उससे क्रॉस करता है। और ये सारे गांव जो हैं इनकी सारे की फसल तकरीबन थोड़ा ही बचता है। ये चंदो खुर्द का रकबा और चंदो कला का ऊपर ऊपर वाला नीचे वाला सारा रकबा हजारों एकड़ सारा का सारा तबाह कर दिया इसने धान का। और ये जो गांव भी है ना, ये बड़े बड़े बांध लगा कर लोगों ने बचाए हैं अपने, और ये बेचारे बाजीगरों की ढाणी है हमारे, इन्होंने अपने लेवल पर ही सरपंच ने इन्होंने कर करा के अपने गांव ये घर बचाए हैं। और प्रशासन का यहाँ पर कोई आ जाते हैं वापस चले जाते हैं, कोई ऐसी नहीं है किसी ने कोई मदद दी हो। अच्छा, योगदान कौन दे रहा अपना? हाँ, अभी तक कोई MLA है ना MPA है जी। हाँ अच्छा, अच्छा। जी हाँ जी। देखो जी, आप जैसे धोले जो कपड़े पैर पर अंडे हैं, बड़े बड़े मंत्री जब उनकी वोट लेने हो, जब पैर पड़ते अंडे हैं, ई भाई हैं दोबारा पारागा असलान भाई, तेरा क्या हाल चल रहा है? कुकर थम जिंदगी जीन लग रहे हो, भूखे हो, तिसाए हो, डांगरा का क्या हाल है, कुछ पूछा गया ना? यहाँ पर कोई नहीं आया पूछने के लिए। जो समाज सेवी की संस्थाएं हैं ना, समाज सेविक संस्थाएं हैं वो आई हैं, किसी ने हरा चारा कोई लंगर उन्होंने तो सप्लाई की है, पर सरकार की ओर से कुछ नहीं आया। मतलब जो अपने खुद के आदमी हो, घरेलू संस्था बनी हो अपनी गम्मा की, 29 सहयोग करा है क्या? 29 सहयोग करा है, वो तो काफी आई है संस्थाएं, तो अब भी आ रही है यहाँ हरा चारा लेके और लंगर लेके, जिनके घर ढाणियां डूबी डूबी पड़ी है उनके लिए, और प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। अच्छा, इलेक्शन भी देखो टेकन लग रहे हैं, इबागा के इलेक्शन आवे कौन सी पार्टी ना गले का होगा, वो तो आगे देखेंगे क्या ये कर रहे हैं, को क्या मुआवजा देते हैं, कुछ करते हैं किसानों के लिए कि नहीं करते। 1000 रुपए बोल रहे हैं, उससे क्या होगा? 60-70 हजार 80 हजार की ये धान डूब गया और 15 हजार बोल रही है, वो भी सरकार क्या पता दे ना दे। अब ये जिस तरह खट्टर साहब ने कर दिया कि 30 तारीख तक जिनका धान लग जाएगा उनको बाद में देखेंगे, क्या 30 तारीख तक लग जाएगा? देखो पानी पानी पड़े है, जो लगाएंगे भी तो वो क्या धान होगा, आगे गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचेगा उसका। हाँ जी हाँ जी। ये मतलब वही सरकार आगे लेकर आओ जो किसान आगे इतना खड़ी होगी। आज हुड्डा साहब भी आए थे चीमो, उन्होंने भी दौरा किया है, दौरा तो कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, पर किसान को अभी तक कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, कोई नहीं है सहयोग यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। हेलीकॉप्टर से देख के चले गए, उसका क्या लेना देना है जी? अच्छा, सरकार का कोई नुमाइंदा को नहीं आंदा देखने खातर? ना तो हमारे MLA साहब है नापा साहब, वो भी नहीं आए, विधायक भी नहीं आए। अच्छा, और फतेहाबाद वाले भी नहीं कोई आए। ठीक है, पुलिस वाले आए या कोई प्रशासन थोड़ा बहुत आगे चला गया, वो तो बात अलग है। बाकी कोई किसी चीज का प्रशासन की ओर से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो इस टाइम कितना पानी लग है रहा यार, कितना पानी कम हो गया, कितना बढ़िया था पानी? तो काफी कम हो गया पानी यहाँ, बहुत ज्यादा पानी था खेतों में, 10-10 फुट पानी था, और ये रंगोई सड़कें सारी टूट गई आगे से। अच्छा, हाँ ये देखो, इस गेट के ऊपर आधा कोठा डूब गया था जी।
यू जो कोठा दिखने लग रहा है आधे से ज्यादा डूब गया था, अब पानी कम हुआ है जी। बाकी सेक्रेटरी साहब ने जो ब्लॉक की तरफ से उन्होंने कोई जेबीसी मशीन भेजी या मिट्टी मुट्टी डलवाई उतना तो करया है सरकार ने, और जमींदारों के लिए और कुछ नहीं दिया अभी तक। अभी कोई पटवारी को बुला के कोई और कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा की वेबसाइट है उसको ऊपर भी किसान ना खातर एक सुविधा दी गई है भाई, जो किसान ना की फसल डूबी है उसमें किला नंबर भर का अपना भाई कौन सी फसल खराब हो रही है फार्म भर्स का है। हाँ वो तो आज सुने भी आज करे इन्होंने पोर्टल करवाओ उसका देखेंगे क्या प्रावधान है क्या नहीं है उसका, जाएंगे तो फिर पता लगे ना जिम्मेदार, तो अनपढ़ जिम्मेदार उनको क्या पता है। फसल भी लेता है तो उसको बोल रहे हैं भाई उन वो मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा मतलब अगर किसी ने धान की प्योज लाया ली धान भी लाग रहे हैं तो उनकी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वो खट्टर साहब ने तो इसी तरह बोलिया है कि 30 तारीख तक जिनका धान लग गया उनको नहीं मिलेगा और जिसका खाली रह गया खेत उसको मिलेगा 18,000 एकड़। धान ला दी और उसका पेड्डा नहीं मारे उसकी फिर एक-एक पेड़ा चल लगा तो फिर हम जमींदार के समझेंगे अपने हिसाब से। सरकार तो चाहिए सरकार को देना पर सभी को देना चाहिए समझना तो नहीं चाहिए था। जड़ा जड़ा फसल बच रही है उड़ा पेड़ा मार मार का मोटी मोटी फसल हो रही है तैयार जड़ा बच रही है लेकिन जो सी ईब लाग गई वो तैयार थोड़ी होगी आगे जाएगा तो एक-एक कहां तैयार होगी फिर आगे हाड़ी की फसल को भी खराब करेगी लेट हो जाएगी हाड़ी नुकसान तो जमींदार का ही है क्योंकि मैं भी मार पड़ेगी इसके लेट पे दान लगेगा तो लेट या आएगी फसल। बिल्कुल तो सरकार देखने लगे के कुछ अपील करना चाहोगे आप अपना चाहोगे। यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 40-50 हज़ार रुपये एकड़ मुआवजा दिया जाए जमींदार को और जल्दी से जल्दी दिया जाए तो उसका उसके किसान को मतलब पूरी की पूरी जो उसकी क्षति पहुंची है उसकी फसल ना उसकी भरपाई हो जाए। जिसके मकान गिरे हैं जिसके को पशुओं का नुकसान हुआ है सभी को मिलना चाहिए सभी को मिले। बिल्कुल तो देखो भाई मैं ये भी बताऊँ किसान भाई यहाँ खातर पहले मैंने वीडियो बनाई है अनेकों वीडियो बनने लग रही है चैनल पर कि मेरी फसल मेरे ब्यौरा बजाय का आप आवेदन करो जो अपना किला नंबर है वो भरो जो आपकी फसल खराब हुई है वो जाकर भरो इसका जो भी मुआवजा वो सरकार देवे क्योंकि पटवारी साहब तो उन्होंने बात करती पटवारी जो आपके क्षेत्र के हुए आए हैं कि दौरी करने कुछ आज सुना है कि आए थे बाकी पक्का पता नहीं है भाई हमारे को नहीं मिले नहीं जी। अच्छा अच्छा हम यही रहते हैं फिरते रहते हैं खेतों में ध्यान पर हमने नहीं देखा जी। अच्छा अच्छा कितना बड़ा गांव है कितना वोट अपना गांव के वोट 400 वोट है वो चंदो खुर्द के इनके मेरे ख्याल 1,000-1,200 हो गए बड़ी चंदो के ये आगे गांव सारे डूब रहे हैं जी रायपुर रायपुर डाणी इधर बुर्जा चिमो सब पीछे सभी गांव डूबे हुए हैं जी सभी की फसल बर्बाद हो गई है जी। पीछे देखो जो भी खबर आना बड़ा रकबा खराब हुआ है जी खबर नहीं भी आ रही पिछला भाई देखो पानी दोबारा भी आने की आने लग रही है मन जमींदार के तो मन में यही चिंता भी दोबारा लगा दिया तो क्या पता दोबारा ना डूब जाए और मुआवजे की राशि बहुत कम घोषित करी है इतनी राशि से कुछ नहीं बनता जी। बिल्कुल बिल्कुल तो देख ले भाई बहुत ही मेहनत करके किसान अपनी फसल ना बड़कन जी पाला है जो कर एक बालक पलेगा नहीं वो अपनी फसल ना पाला है जब भी अपनी जो प्राकृतिक आपदा हुआ है इसकी वजह से जो फसल खराब हुआ है तो उसके बारे में सरकार ने जरूर सोचना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े होता है आप जो कर कुत्ते अगर रोटी गेट दे रहे नहीं वो नहीं गेटने जो उसका मान सम्मान है वो मिलना चाहिए जी कम से कम 40,000 एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए जिनमें दाल ना लगे। बिल्कुल जो उनका खर्चा काफी कर रखा है जमींदारों ने खर्चा तो है देखो अगर कोई फसल ला हुआ खर्चा तो होगा कईयों के ट्यूबवेल बोर भी खराब हो गए पशु भी खराब मर गए कोठे भी गिर गए नुकसान तो बहुत हुआ है देखो ब्याज पर पिए ले हुआ है किसान उसका ब्याजों को निपटता लेकिन अपनी जो धरती माता है उसकी सींच के मेहनत करके किसान अपनी फसल ना पाला है तो सरकार से मेरी यही अपील है और सारी जो जनता है उसकी भी यही अपील है कि जो मुआवजा मिलना चाहिए एक्चुअली में वही मुआवजा प्रोवाइड कराया जाए सरकार की तरफ तक किसान तक। तो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो वीडियो किसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो तब तक के लिए बने रहिए देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा जय भारत।